ओ रफीक, हाँ मैं साफ साफ बता रही हूँ, मैं इस घर में ना किसी की शराकत दादी बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ, समझे तुम? अरे फिक्र ना कर, दूसरी शादी का कोई इरादा नहीं है मेरा। क्या? हाँ सच कह रहा हूँ, एतबार रखो। उसकी मुझे फिक्र भी नहीं है, तुम्हारे भाई की बात कर रही हूँ। तो मर्द जात है ना, कोती धोखेबाज है, तोता चश्म, एतबार के काबिल ही नहीं होती। अभी देखो, चंद दिन पहले तक तो परवीन के गम में नढाल था, रोता फिर रहा था, और अब देखो सोनिया जिसे मिला भी नहीं है, हाँ देखा भी नहीं है उसे, उसके ख्यालों में गुम है। वाह, अच्छा तो ये बात है। मैं एक बात बता रही हूँ, यही हालात रहे ना, मिनटों में शादी खत्म करा दूंगी, होने नहीं दूंगी। फिकर ना करो, सब मुझ पे छोड़ दो। अरे वहां खड़ा मुस्कुरा रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, सोनिया के ख्यालों में। अरे कह रहा हूँ ना, क्यों परवाह करती हो, सब मुझ पे छोड़ दो। देखो वो आज उसके बारे में सोच के मुस्कुरा रहा है, कल उसे देख के आंखें शोले बरसाएंगी, लिख लो मेरी बात। वैसे तुम जो भी कहते हो करके भी दिखाते हो, है ना, करती हो ना फिर मेरी अकल में भरोसा। देख सुल्तान का दिमाग आज हमारे कब्जे में है और हमारे कब्जे में ही रहेगा। तुमने इस घर पे हुकूमत की है और आगे भी तुम ही हुकूमत करोगी। वो जो ला रहे हैं ना, अरे वो तुम्हारी खिदमत के लिए ला रहे हैं, कोई डरने वरने की जरूरत नहीं है, समझी? और वो बरी पे ज्यादा पैसे वैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, और राजा महाराजा की बेटी नहीं है, अपने लिए अच्छे से कपड़े बना लेना, समझी? आखिर रफीक की बीवी हो, सारी बरादरी में इज्जत है रफीक की, एक नाम एक पहचान। तुम्हारा शौहर मामूली आदमी नहीं है, हर मसले का हल है मेरे पास।